अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के टुडेज़ गेस्ट के साथ मैं हूँ आमिर तकबीर। नाज़रीन, ईद कुर्बान के तीनों अयाम बख़ैर वाफ़ियत से गुजर गए हैं और फरजंदा ने तौहीद की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा भी अंजाम दे लिया है, लेकिन इसके बाद जो है एक इंतज़ामी तौर पर एक बड़ी मसले का आवाम को सामना करना पड़ता था, जो आलाइशें हैं उसको टाइमली वहाँ से नहीं उठाया जाता था। लेकिन इस दफ़ा तहसील इंतज़ामिया की जानिब से और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से एक ऐसी जाम हिकमत अमली बनाई गई जिसकी बदौलत शहर भर में तीनों दिन जो है सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतरीन पाया गया है, जिसकी समाजी और अवामी हलकों की जानिब से इजहार इत्मीनान किया गया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चूनिया के असिस्टेंट कमिश्नर रिजा अपना खुर्रम हमीद साहब। हम इनसे जानते हैं कि आज जो इस ईद पे आपने क्या ऐसा प्लान तरतीब दिया था कि शहर में सफाई और सुथराई का इंतज़ाम बेहतरीन पाया गया। जी, हमारी तहसील चूनिया में तीन बड़े शहर हैं जो म्यूनसिपल कमिटीज़ भी हैं, चूनिया है, इलाहाबाद है और गंगनपुर है। तो हमने तीनों म्यूनसिपल कमेटीज़ में एक प्रॉपर मीटिंग करके एक जामिया प्लान तश्कील दिया। शहर चुनिया के अंदर हमने 22 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए और पहले हम गलियों से और छोटी जगहों से उठा के कलेक्शन पॉइंट्स पे अपनी इलाइशें मुंतकिल करते थे और विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर कलेक्शन पॉइंट से हम जो है डंपिंग पॉइंट से शिफ्ट कर देते थे। इसमें हमारे तकरीबन 65 लोग थे जो एंगेज थे, मैं ख़ुद भी फील्ड में था, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, हमारे सैनिटरी वर्कर्स, सारा का सारा अमला जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक फील्ड में था। और हमने इंश्योर किया कि जो कुर्बानी की आलाइश किसी भी गली में मिले तो एक घंटे से ज़्यादा वो उस गली में ना पाई जाए, एक घंटे के अंदर अंदर हमने उसको रिमूव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम फरमाया, हमारी टीम ने एक अंथक मेहनत की, लगन से काम किया और आज जो है हमारे शहर में किसी किस्म का कोई तौफ़ून, कोई बदबू, कोई आलाइश, किसी किस्म की आपको इस तरह कोई चीज़ नज़र नहीं है। अच्छा खुरम सर, ये बताइएगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक दिन पहले ही आपने वो जो शॉपिंग बैग दे दिए गए थे, जैसे जैसे आपकी कुर्बानी करी वो आलाइशें उस पर डाल के बाहर रखें, वहाँ से हमारे सैनिटरी वर्कर्स जो है ना वो उठा लेंगे, क्या इससे पहले आपने इनको बकायदा जो सैनिटरी वर्कर्स है, स्टाफ है, उसको बकायदा ट्रेनिंग दी थी या कोई उनकी रूटीन में ऐसे काम चल रहे? ऑफ कोर्स सैनिटरी वर्कर्स ऑलरेडी इसमें ट्रेंड होते हैं, हर साल ये काम करते हैं, तो इस तरह थोड़ा हमने प्रॉपर तरीके से प्लान किया था, प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की थी, सुपरविजन की थी। सीओ साहब बजाते खुद मौजूद थे, मैं खुद फील्ड में मौजूद था। एक दिन पहले शॉपर जो है तमाम शहरियों को और जो नोटेबल्स उनको दे दिए गए थे, तकरीबन हमने चुनिया शहर में 4000 के करीब शॉपर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो वो टाइमली प्लानिंग की वजह से और थोड़ी अवेयरनेस की वजह से हमें भी काफ़ी आसानी रही। और जब प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई तो उनको पता है कि जब असिस्टेंट कमिश्नर खुद भी फील्ड में हैं, खुद भी चेक कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत से लगन से काम किया और हमारे ईद के मौके पे जो है आलाइशों से, ताफुन से, बदबू से शहर को महफूज किया। अच्छा, आप बता रहे कि 4000 शॉपर हमने लोगों तक पहुँचाया, लेकिन एक भी आवाम की तरफ से ये थोड़ी सी शिकायत मिली है कि उन्होंने कहा भी हमें जो है ना वो नहीं मिली, शॉपर नहीं मिले, बहुत सारी जगह पे बताया गया। ये आपका शॉपर तकसीम करने की ड्यूटी किसकी थी और किस क्या लाया बनाया था? इसमें हमारे जो म्यूनसिपल कमेटी का स्टाफ है, इसमें हमने वार्ड वाइज डिवाइड किया था, काउंसलर्स को दिए थे, नोटेबल्स को दिए थे, जो हमने एक कंट्रोल रूम बनाया था उसमें भी तकरीबन 1000 शॉपर रखा, जो आए तो आके ले भी जा सकता था। मैंने खुद भी बाज़ार में डिस्ट्रीब्यूट की है, उसकी पिक्चर्स भी आपको सोशल मीडिया पे मिल सकती हैं। तो हमने मैक्सिमम कोशिश की थी कि जहाँ भी हम पूरे शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कर दें ताकि कोई इस आलाइश के डिस्पोज़ल के लिए किसी को कोई दिक्कत पेश ना आए। अच्छा, यकीनन उसका हमने अपनी मुशाहरे में देखा है कि आपको कहीं भी शहर में कोई आलाइश नज़र नहीं आई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि भाई आपका ये सारा जो क्रेडिट है, ज़ाहिर है कि मैनेजमेंट आपकी थी, जो ग्राउंड पे जाके जो आपके सैनिटरी वर्कर्स हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं, आप उनको क्या? डेफिनेटली सारा क्रेडिट तो उनको ही जाता है, फील्ड में वो थे, अपना ग्राउंड लेवल पर वो काम कर रहे थे। और ईद के 3 दिनों के बाद फिर हमने एक तकरीब मनक़द की थी, उसमें हमने सबको स्वीट्स दी थी, चाय पिलाई थी, हमने बैठ के एक थोड़ा सेलिब्रेशन किया था उनकी हौसला अफजाई के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, कि जब उन्होंने काम किया तो उनको अप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए। क्या ईद अलाउंस भी आपने उनको दिया था कि नहीं? ईद अलाउंस, क्योंकि हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ रिसेंटली हमारे ज़िला कौंसिल से ट्रांजिशन फेज़ में है, तो अभी हमारे जो बजट है मुकम्मल तो ऑपरेशनल नहीं हुए, तो अलाउंस तो हम नहीं दे सके, लेकिन हमने उनके साथ बैठ के चाय पी, हौसला अफजाई के लिए सिचुएशन को एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये भी आपके इल्म में होगा यकीनन कि बहुत अच्छा काम किया है सैनिटरी वर्कर, ज़ाहिर है कि ग्राउंड में तो वही थे,
चूनिया में सैनिटी वर्कर्स की 120 नशस्तें हैं, एलोकेट हैं, उसमें तकरीबन 60 लोग हैं वो सैनिटी वर्कर्स हैं। उन 60 लोगों में से भी तकरीबन 40-45 लोग फील्ड में जाकर सफाई सुथराई का काम करते हैं, 10-15 लोग अपने दूसरे मामला में ऑफिस में ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर यही जो 40-45 लोगों ने काम किया है, अगर यही अगर 120 लोग काम करते तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता था, या अगर इस तरह कहें कि 120 लोगों का काम जो है आपने 40-45 लोगों से किया है, तो इसके बारे में आप क्या क्या कहते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स पूरा हो तो हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से इस तरह अंजाम दे सकते थे। तो हमारे पास जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वो अंडर स्टाफ हैं, स्टाफ की बड़ी शदीद कमी है। इसके लिए टाइम एंड अगेन लोकल गवर्नमेंट को हमने इंटीमेट भी किया है, तो लेकिन उनकी रिक्रूटमेंट के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पॉलिसी देनी है, तो उसका वेट है, जैसी कि पॉलिसी आएगी तो हम जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकेंगे। अभी तक ऐसा कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस नहीं की है, तो जैसी कि पॉलिसी आती है तो डेफिनेटली रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वो एक्टिवली जो है अपने प्रॉपर हिमर्स के साथ परफॉर्म कर सकें। सर, जैसे कि आपने इन 3 दिनों में आपकी इंतज़ामिया ने और सैनिटरी वर्कर्स ने बड़ा शानदार काम किया है, क्या ये मुश्किल बुनियादों पर कोई ऐसा लाइमन बनाया जा सकता है कि इसी तरह साफ़ सुथरा रहे और आपके जो सारा स्टाफ है, मैनेजमेंट है, इस तरह शानदार तरीके से? इसमें एक डेफिनेटली हम कोशिश तो करते हैं कि शहर को नीट एंड क्लीन रखा जाए और कूड़े क्रिकेट से, गार्बेज से हर तल इम्कान महफूज रखा जाए, लेकिन हमारे पास स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। जहाँ पर 4 लोग रिक्वायर्ड हैं, हम 1 या 2 लोगों से काम ले रहे होते हैं। उसकी वजह से बाज़ का ऐसे में नज़र आता है कि शायद म्यूनसिपल कमेटीज़ जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही। अगर स्टाफ पूरा हो जाए तो डेफिनेटली इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। 49 न्यूज़ हमेशा ही मार्जिनलाइज कम्यूनिटी की आवाज़ उठाती है, और पिछले दिनों भी हमने इस सैनिटरी वर्कर्स पे हमने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें भी हमने इस इशू को हाईलाइट किया था कि भी 120 लोगों का काम जो है ना वो 40 लोगों से दिया जा रहा है, यानी जबकि तनख्वा एक बंदे की दी जा रही है। क्या आप जैसे कि बहुत ही अच्छे अंदाज से, पीछे भी हमने आपके देखी है सर्विसेज आपकी जहाँ जहाँ की है, तो क्या हम तो कर सकते हैं कि आपकी ड्यूरेशन में ये सैनिटरी वर्कर्स की तादाद पूरी हो जाएगी? इंशाल्लाह, वी शुड होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम हमीद साहब। नाज़रीन, जैसा कि हमारी फ़राइज़ में शामिल है कि हम आवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं और मुआशरती बिगाड़ को दिखाते हैं ताकि उसकी इसलाह की जाए, इसी के साथ साथ हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि जो इदारे अच्छा काम कर रहे हैं वो भी आप तक पहुँचाएँ। इसी तरह चूनिया की तहसील इंतज़ामिया और मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से जो शानदार इस ईद गुरबा पे काम किया गया है, उनको भी हम उसको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और बिलखसूस 49 न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से जो सैनिटरी वर्कर्स हैं तहसील इंतज़ामिया के, उनकी तरफ से उनको हम सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर तकवी को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।